हेलो एवरीवन, मैं हूँ अशोक नायक, अशोक नायक हेयर एंड ब्यूटी एकेडमी। और हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही खास टॉपिक पे। वो खास टॉपिक क्या है? वो खास टॉपिक हमारा है केराटीन। केराटीन आप लोग जब करवा लेते हैं बालों के अंदर, उसके बाद में हम आप लोगों को किन चीज़ों का, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हो जाए शुरू। केराटीन करवाने के बाद में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम लोग गर्म पानी से बालों को वॉश नहीं करेंगे, गर्म पानी से बालों को रिंस नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे बाल जल्दी, जो हमारा केराटीन है, जल्दी बालों से निकल जाएगा। केराटीन के बाद में पॉइंट नंबर टू हमारा ये है कि हम लोग समुद्री पानी से बालों को वॉश नहीं करेंगे, या समुद्र में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर होता है सॉल्ट। सॉल्ट अगर जो नमक वाले पानी से हम लोग बालों को धोएंगे, बाल हमारे उससे भीगेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो केराटीन है वो बालों से जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद में पॉइंट नंबर थ्री क्या है हमारा, हम लोग स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर होता है बहुत काफ़ी मात्रा में पाया जाता है क्लोरीन, जिससे हमारे बाल है जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। पॉइंट नंबर फोर, वीक में कितने बार बालों को वॉश करें। काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम आती है केराटीन करवाने के बाद में, हम लोग एक हफ्ते में 2 बार वॉश करें या 3 बार वॉश करें। तो सही तो यही है कि आप लोग कम से कम वॉश करें, मैक्सिमम आप 2 टाइम वॉश कर सकते हैं 1 वीक के अंदर, और मिनिमम 1 बार वॉश कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आप पे, आप कितना बालों का केयर करते हैं। तो उसके बाद में पॉइंट नंबर फाइव है कि हमें हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू से बालों का वॉश करना चाहिए, और शैम्पू के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें कंडीशनर और सीरम बालों के अंदर जरूर लगाना चाहिए, अगर हमने केराटीन करवाई है तो। अगर हम लोग लॉन्ग लास्टिंग इसका रिजल्ट चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। बेसिकली आप लोगों को क्या करना चाहिए, केराटीन बेस्ड जो होम केयर प्रोडक्ट होते हैं वही यूज़ करने चाहिए, और उसके अलावा दूसरा अगर आप शैम्पू यूज़ करते हैं और आपके बालों के अंदर केराटीन है जो ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं।